The rule number two is that the quality of the hours. Quality of the hours will decide your rank, not the quantity of hours. मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे आस्क ए वेरी बेसिक क्वेश्चन एवरी टाइम कि सर हम कितने घंटे पढ़े. इट डजंट काउंट. व्हाट काउंट इज दैट हाउ मेनी आवर्स यू आर फोकस्ड. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिटी आवर्स. क्वालिटी आवर का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस बेंच पर बैठे हैं वो आप, आपकी बेंच, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी बुक, आपका पेन और आपकी नोटबुक एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करेंगे. एक सिंगल सिस्टम की तरह. देयर इज नो डिफरेंस, नो आइसोलेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन. और तब आप, आपको पता नहीं होता कि आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ द क्वालिटी आवर्स. तो क्वालिटी आवर का मतलब यह होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहां बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ए सिंगल सिस्टम. वो एक सिस्टम है और जो एक सिस्टम होता है तभी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है. मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, पढ़ रहे हैं, बीच में फोन उठाया, स्क्रॉल करना चालू. आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा. तो पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना, जब पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना तब रैंक आएगा. अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ. अंडरस्टैंड दिस दैट quality of the hours matters, not the quantity of hours. If you are distracted every 10 minutes, you are distracted every 10 minutes, you lose your focus every 10 minutes, you lose your concentration. Those every 10 minutes are deciding ki aapka har 10 minute mein rank 1000 se niche gir raha hai, har 10 minute mein aapka rank 1000 se piche aa raha hai. Understand this right now, right here in this minute. You have to be a single system. The quality of the hours will define it. तो आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ द आर्स के लिए. आपको टूरिस्ट की तरह रीड नहीं करना. हमने टूरिस्ट को रीडिंग करते हुए देखा है, बस में जा रहे होते पढ़ रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते पढ़ रहे होते हैं आराम से, हाँ, एरोप्लेन में जा रहे होते आराम से पढ़ रहे होते. व्हाट इज द स्टूडेंट रीडिंग, व्हाट इज द फोकस्ड रीडिंग. आई सी दैट स्टूडेंट रीड ए बुक लाइक ए नोवेल. नेवर रीड ए बुक लाइक नोवेल, रीड ए बुक लाइक ए बाइबल. If you are reading a book like novel, you are wasting your time. You have to read a book like Bible, and this is how you can ensure the quality of the arts. You can ensure the religious preparation. You can ensure the religious study. It is very, very important. You have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, and then you have to revise. ये train चलना चाहिए. लोग क्या करते हैं, किताब खोली, पढ़ी, छोड़ दी. करना क्या है, करना ये है that you have to read. You have to write, you have to learn, you have to memorize, you have to revise again and again. This is the way.